गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर विद्युत चुंबक के स्पेक्ट्रम के नेक्स्ट टॉपिक जो हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ रहे हैं उसका स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक, उनके इक्विपमेंट की क्या स्ट्रक्चर होती है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रा क्यों आता है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज क्या होती है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ग्राफ आता है वो उल्टा क्यों आता है, ग्राफ किस किस के बीच बनाया जाता है, ये स्टडी किया था। अब हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब्जॉर्प्शन बैंड क्यों प्राप्त होते हैं, अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, किस किस प्रकार के कंपन पाए जाते हैं, उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आईआर रेडिएशन जब किसी अणु पे या पदार्थ पे डाली जाती है तो वो अवशोषण किस प्रकार से प्रदर्शित करती है। तो हम देखेंगे कि एक तो आईआर रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन होने के लिए जो वेवलेंथ, जो विकिरण हम डाल रहे हैं उसकी वेवलेंथ करेक्ट होनी चाहिए, यानी पदार्थ जिस विकिरण को अवशोषित करता है वही वाली विकिरण हमें डालनी है। दूसरा कि कोई मॉलिक्यूल विकिरण को अवशोषित क्यों करे, मतलब ऐसे क्या कारण है कि विकिरण का अवशोषण होता है। देखिए, जब किसी मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस होते हैं यानी कंपन होते हैं, तो कंपन होने के कारण उस मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होता है। द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होने के कारण उस मॉलिक्यूल के विभिन्न अणुओं, परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रिक डाइपोल जनरेट होता है, यानी कि आंशिक धनावेश और आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इस आंशिक धनावेश और आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न होने के कारण ही द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। इस द्विध्रुव आघूर्ण के कारण बंद में एक तरफ आंशिक धनावेश और एक तरफ आंशिक ऋण आवेश होगा, तो वो बंद जिसमें कि इलेक्ट्रॉन हैं आईआर रेडिएशन का अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन करते हैं, जिससे आईआर रेडिएशन के ग्राफ में हमें बैंड प्राप्त होते हैं, अवशोषण बैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आईआर रेडिएशन में वाइब्रेशन किसने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। देखिए, वाइब्रेशन मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को हम तनन कंपन भी कहते हैं, और दूसरा है बेंडिंग वाइब्रेशन को हम बंकन या विरूपण कंपन भी कहते हैं जी। तो सबसे पहले हम ये देखें कि वाइब्रेशंस क्या होते हैं। वाइब्रेशंस का मतलब होता है कंपन, लेकिन हम जो स्टडी कर रहे हैं अणु उसमें वाइब्रेशंस किस तरह से होते हैं। तो देखिए, किसी अणु में जो परमाणु होते हैं वो स्थिर नहीं रहते हैं, बल्कि धीरे धीरे या तेज़ी से कंपन करते रहते हैं। कंपन करने से क्या होता है, जब परमाणुओं का कंपन होता है तो परमाणुओं के बीच के बंद लंबाई या बंद कोण में परिवर्तन होता है। परिवर्तन यानी बंद लंबाई घट भी सकती है और बंद लंबाई कंपन के द्वारा बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि कंपन है क्या, है ना। अब अणु में जब परमाणुओं के बीच विभिन्न स्तरों में कंपन होता है तो कंपन क्या होते हैं, क्वांटित होते हैं। क्वांटित यानी उनकी ऊर्जा फिक्स होती है या विभिन्न सेक्शन यानी भागों में बटी हुई होती है। तो जब विकिरण पदार्थ से गुजरती है तो उनके विभिन्न परमाणुओं में कंपन होता है, और कंपन के कारण एक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होगा, तो उस संक्रमण में एक फिक्स ऊर्जा का अवशोषण होगा, और उस ऊर्जा के अवशोषण के कारण हम स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं, है ना। तो ये दो टाइप के जो मेनली कंपन है, स्ट्रेचिंग कंपन और बेंडिंग और कंपन, इसमें से ज़्यादा ऊर्जा किस में चाहिए, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए हमें स्ट्रेचिंग कंपन में, यानी कि तनन कंपन में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और बंकन कंपन में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं
तरंग कंपन फर्स्ट वाला स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फिर दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एक असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, हिंदी में कहें तो सममित कंपन और असममित कंपन। तो पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस कौन कौन से होते हैं। तो देखिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आप देखिए जब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती है तो दो परमाणुओं के बीच जो बंध होता है उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। दो परमाणुओं के बीच जो बंध है उसकी दूरी वो बढ़ता है या घटता है, यानी दोनों परमाणु के मध्य के बीच की दूरी या तो घटेगी या बढ़ेगी। और इस तनन कंपन में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है किसमें, ये फर्स्ट वाले में ये ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है और बेंडिंग वाले में ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। अब जो फर्स्ट वाला तनन कंपन है दो प्रकार का हो सकता है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, यानी सममित और असममित। अब जैसे हम असममित को देखते हैं कि सममित और असममित किस प्रकार से हो रहे हैं, है ना। देखिए ये है असिमेट्रिक सममित तनन कंपन। सममित तनन कंपन में क्या होगा, देखिए जब अणु में एक परमाणुओं से जुड़े हुए जो दो परमाणु हैं उनके मध्य बंध लंबाई या तो एक साथ बढ़े या बंध लंबाई एक साथ ही घटे, है ना, यानी एक लयबद्ध गति से, यानी या तो दोनों परमाणु खींचे जा रहे हैं तो बंध लंबाई बढ़ रही है या दोनों परमाणु संपीड़ित हो रहे हैं तो बंध लंबाई कम हो रही है ना। यानी कि हम उदाहरण के रूप में देखें जैसे कि ये कार्बन है ना, इसके साथ ये एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, तो या तो ये दोनों हाइड्रोजन एक साथ बाहर की तरफ गति करें या फिर एक साथ अंदर की तरफ गति करें। तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बंध लंबाई, ये बंध लंबाई और ये बंध लंबाई हमेशा सेम रहेगी, जब खींचेंगे तो बढ़ेगी और जब ये पास में आएंगे संपीड़ित होगी तो घटेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक हाइड्रोजन तो खिंच रहा है और दूसरा हाइड्रोजन पास में जा रहा है ना। सिमेट्रिक में दोनों हाइड्रोजन एक साथ कार्बन से दूर जाएंगे तो बंध लंबाई बढ़ेगी और दोनों हाइड्रोजन एक साथ कार्बन के पास आएंगे तो बंध लंबाई कम होगी, ये सिमेट्रिक है। अब अगर हम एसिमेट्रिक की बात करें तो एसिमेट्रिक में क्या होता है, एसिमेट्रिक में अणु का एक परमाणु तो दूर जाता है एक परमाणु पास आता है, यानी कि जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है ये एक समय में कार्बन से जा रहा है दूर तो इसकी बंध लंबाई बढ़ रही है और उसी समय ये हाइड्रोजन कार्बन के पास आ रहा है तो इसकी बंध लंबाई कम हो रही है। तो एक तरफ तो बंध लंबाई बढ़ रही है, एक तरफ बंध लंबाई कम हो रही है, उसके बाद में क्या होगा, फिर ये हाइड्रोजन पास आएगा तो ये वाला दूर जाना स्टार्ट हो जाएगा तो इसकी फिर बंध लंबाई कम हो जाएगी और इसकी बंध लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। तो एक समय में एक की बंध लंबाई कम हो रही है कंपन से और एक की बंध लंबाई ज़्यादा हो रही है तो ये असिमेट्रिक कंपन कहलाएंगे। और असिमेट्रिक कंपन यानी असममित तनन कंपन में सममित की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसको भी हम CH2 के एग्जाम्पल से देख सकते हैं। अगला वाला जो कंपन है सेकंड टाइप का वो है बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन को कंपन, बंकन कंपन या विरूपण कंपन भी कहते हैं। इस कंपन में क्या होता है, बेंडिंग वाइब्रेशन या बंकन कंपन के कारण बंधों के मध्य जो कोण होता है ना उसमें परिवर्तन होता है। देखिए पहले हम जो बात करें तो बंध लंबाई की बात करें तो बंध लंबाई परिवर्तन होती है, लेकिन बेंडिंग में बंध लंबाई परिवर्तन नहीं हो रही है, बंध का कोण परिवर्तन हो रहा है। और अगर बंध का कोण भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा तो फिर जो परमाणु है उनका तल चेंज होगा, यानी इसमें दो चीज़ें होंगी, है ना, इसमें दो चीज़ें होंगी। पहला तो बॉन्ड एंगल चेंज होगा, और अगर किसी कारण से बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो प्लेन यानी कि तल चेंज होगा, प्लेन यानी तल चेंज होगा। या तो बॉन्ड एंगल चेंज होना चाहिए यानी बंध कोण चेंज होना चाहिए या प्लेन या तल चेंज होना चाहिए। अब हम इसमें देखें कि जो बॉन्ड एंगल चेंज हो रहे हैं उनके एग्जांपल में हम देख सकते हैं सीज रिंग जी, दूसरा हम देख सकते हैं रॉकिंग, और जो तल चेंज हो रहे हैं उसके भी दो एग्जांपल हैं उसमें हम देख सकते हैं ट्विस्टिंग और वेगिंग। सीजरिंग को हम कहते हैं कैंची नुमा कंपन, इसमें कोण चेंज होता है बंध के बीच का बंध कोण। और एक है रॉकिंग, रॉकिंग को हिंदी में कहते हैं संदोली, इसमें भी बंध कोण चेंज हो सकता है और नहीं भी, है ना, और वेगिंग और ट्विस्टिंग में भी, है ना। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं आगे कि कौन सा कंपन क्या है। देखिए
ये देखिए बेंडिंग कंपन के उदाहरण हैं। देखिए अगर हम इसमें सीजरिंग का एग्जांपल देखें, आगे और अच्छे से दिया गया, हम उस और डायग्राम को देखते हैं। यह है सीजरिंग, सीजरिंग का उदाहरण है। सीजरिंग को कैंचिनुमा कंपन भी कहते हैं। तो देखिए कैंची की तरह दोनों हाइड्रोजन अंदर की साइड आ रहे हैं, यानी कि बंद कोण कम हो रहा है, और अगले वाले में क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन फिर एक साथ बाहर की तरफ जाएंगे तो बंद कोण बढ़ जाएगा, यानी कि दोनों परमाणु कैंचिनुमा गति कर रहे हैं। परमाणुओं के बंद का जो तल है वो तो सेम है, लेकिन इन हाइड्रोजन के मूवमेंट करने से, कैंचिनुमा गति करने से जो कोण है ना, इसका मान कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। दूसरा है रॉकिंग। रॉकिंग में क्या हो रहा है, रॉकिंग में एक बार में ये हाइड्रोजन अगर अंदर की साइड जा रहा है तो दूसरा वाला हाइड्रोजन बाहर की साइड जा रहा है, यानी बंद कोण का मान तो वही रहेगा, क्योंकि जितनी गति इसने की उतनी ही गति इसने की, जितनी गति इस हाइड्रोजन ने की उतनी गति इस हाइड्रोजन ने की, तो बंद कोण का मान तो सेम रहेगा, लेकिन इनका तल चेंज हो जाएगा। किस टाइप के कंपन में, रॉकिंग। रॉकिंग को संदोलित कंपन भी कहते हैं। अब लास्ट के जो दो हैं वो है वेगिंग और ट्विस्टिंग। देखिए वेगिंग टाइप के कंपन में, अभी आप ये देखिए ये कार्बन और हाइड्रोजन एक ही तल में है। अब मान लो कि कार्बन तो उसी तल में रहे, दोनों हाइड्रोजन तल से ऊपर आ जाएं एक साथ, या दोनों हाइड्रोजन तल के नीचे चले जाएं एक साथ, तो उसको हम कहेंगे वेगिंग। दोनों हाइड्रोजन एक साथ तल के ऊपर आ रहे हैं या दोनों हाइड्रोजन एक साथ तल के नीचे जा रहे हैं, तो इसको वेगिंग कंपन कहते हैं। हिंदी में इसे अभिदोलन कंपन भी कहते हैं, है ना। और दूसरा एग्जांपल ये है जिसको हम ट्विस्टिंग कंपन भी कहते हैं। इस ट्विस्टिंग कंपन में क्या होता है कि कार्बन और दोनों हाइड्रोजन एक ही तल में है। अब कंपन के समय एक हाइड्रोजन तो तल के ऊपर जाएगा जिसको हम प्लस से प्रदर्शित कर सकते हैं, और एक हाइड्रोजन तल के नीचे जाएगा जिसको हम माइनस से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगली बार क्या होगा, अगली बार जो हाइड्रोजन ऊपर गया था वो नीचे चले जाएगा तो उसको माइनस से प्रदर्शित करेंगे, और जो हाइड्रोजन पहले नीचे गया था ऊपर आ जाएगा तो उसको प्लस से प्रदर्शित करेंगे। यानी कि एक बार में इस कार्बन से जुड़ा एक हाइड्रोजन तो नीचे के तल में जा रहा है, एक जा रहा है ऊपर के तल में, जबकि हमने जो अभिदोलन कंपन देखा था उसमें क्या था, या तो दोनों हाइड्रोजन तल से ऊपर आएंगे या दोनों हाइड्रोजन तल से नीचे जाएंगे एक साथ, तो उसे अभिदोलन कंपन कहेंगे। यदि एक बार में एक हाइड्रोजन तल के ऊपर जाए और एक हाइड्रोजन तल के नीचे जाए तो उसे ट्विस्टिंग कंपन कहेंगे या व्यावर्तन कंपन भी कहेंगे। होपफुली आपको कंपन के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसका असाइनमेंट मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप एक बार इस को पढ़िएगा, और जो भी अपने क्यूरी हैं वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में क्यूरी का समाधान कर दूंगा। इस एक डायग्राम में सारे कंपन एक साथ आ रहे हैं। स्ट्रेचिंग कंपन जिसके दो टाइप हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। बेंडिंग कंपन जिसके चार टाइप हैं, है ना। ट्विस्टिंग, वेगिंग, रॉकिंग और सीजरिंग। सीजरिंग यानी कैंचिनुमा, रॉकिंग यानी कि एक साथ इस तरफ जा रहे हैं या उस तरफ जा रहे हैं, वेगिंग में दोनों ऊपर एक साथ या दोनों नीचे, और ट्विस्टेड में एक बार एक नीचे एक ऊपर, है ना जी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।